हमारी सैनी है। और आप कहाँ से हैं? हम जयपुर से आए हैं। अच्छा, और क्या बीमारी था आपको? मुझे मस्कुलर डिस्ट्रोफी हुआ 10-15 साल पहले। अच्छा, तो धीरे धीरे तो इतना पता नहीं चला, लेकिन जब धीरे धीरे टाइम बीतता गया तो काफ़ी कमजोरी आती गई। फिर जब पता चला कि इस तरह की प्रॉब्लम है, तो पहले ये ट्रीटमेंट लिया अंग्रेजी, फिर आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, सब ट्रीटमेंट ले चुकी। लेकिन स्टार्टिंग में जो भी ट्रीटमेंट लेती, एक दो महीने रिलीफ मिलता, उसके बाद वापस डाउन हो जाती। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने नेट पर रिसर्च किया स्टेम सेल के बारे में, तो फिर आपसे लगा कि तो सब जानकारी मिलने के बाद फिर मैं यहाँ पर आई। और यहाँ पर आने के बाद मेरी जाँच वगैरह हुई, जाँच वगैरह होने के बाद रिपोर्ट्स थोड़े ठीक हैं, थोड़े कम हैं। तो उसके बाद कल परसों 1 तारीख को मैं यहाँ पर एडमिट हुई थी। उसके बाद से मेरी दवाई गोली स्टार्ट कर दी सर ने, और ड्रिप वगैरह लगाना, और कल मेरा स्टेम सेल प्रोसेस हुआ। मेरी बॉडी में जहाँ जहाँ मसल्स ज़्यादा वीक थी, वहाँ पे मुझे स्टेम सेल इंजेक्शन द्वारा दिए गए। और उसके बाद से मुझे थोड़ा बहुत रिलीफ सा फील हो रहा है कि मतलब थोड़ा सा ऐसा फिर से पॉजिटिव थिंकिंग या एक उम्मीद सी हो जाती है, हाँ मैं ठीक हो सकती हूँ, अच्छा लग रहा है। और उसके बाद भी मेरे 2-3 महीने तक ट्रीटमेंट चलेगा। और सर ने मुझे काफ़ी हिम्मत और विश्वास दिलाया कि नहीं, आप ठीक हो सकते हो, वरना मैं ऐसी स्टेज लास्ट स्टेज पे आ चुकी, मेरी हिम्मत और विश्वास टूट चुका था। और साथ में सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का है, उनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और मेरा ये लास्ट स्टेप जो इलाज है वो सक्सेस हुआ है। इसके बाद तो शायद कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, अभी करीबन आप 2 दिन से एडमिट हो, तो आपको कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है अभी 2 दिन में? हाँ, थोड़ा बहुत, जैसे हाँ जैसे ड्रिप वगैरह लगाई मेरी, ये दवाई गोली वगैरह दिया, तो मसल्स मतलब फुल आउट सी महसूस हो रही, चेहरे पर भी काफ़ी अच्छा फील हुआ है, उंगलियों में भी, मूवमेंट में भी। और कल थेरेपी करने के बाद थाइस में थोड़ा सा लाउड बल महसूस हुआ है, चलने में थोड़ा पैर जैसे ढीला रखने में आता था, तो वैसा थोड़ा स्ट्रॉन्गली मैं पैर रख पा रही हूँ। और तो ठीक है, मतलब आप सेटिस्फाइड हो? हाँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ। और मेरे हस्बैंड यही कहते हैं कि माइंड को एकदम सेम और पॉजिटिव थिंकिंग में रहना। राइट।